आज के दिन नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी और गांधी जी का प्राणांत आज शहीद दिवस के रूप में हमको याद करते हैं। गांधी जी ने हमारे देश के लिए जो कार्य किया है वो अद्वितीय, अविस्मरणीय, अनुकरणीय और ऐसा कार्य है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने आजादी में अहिंसा के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। हम सबको आज याद करते हैं। हमारे बीच दिल्ली से विजयकांत जी भटनागर, उनकी श्रीमती जी नीलम जी और धर्मेंद्र जी और जितेंद्र जी, महात्मा गांधी जी राष्ट्र के लिए उन्होंने बलिदान दिया, उनको आज नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी, प्राणांत हो गया। आज शहीद दिवस के रूप में हमको याद करते हैं। गांधी जी कहते थे मेरा जीवन ही जो है मेरी शिक्षा है। आप अगर गांधी जी से कुछ सीखना है, समझना है, तो उनके जीवन को आत्मसात कर लो। हमारे महापुरुष जितने भी हुए हैं उन्होंने अपने जीवन से हमें शिक्षा दी, तभी हम उनको महापुरुष के रूप में मानते हैं। गांधी जी का आज शहीदी दिवस के रूप में हम स्मरण करेंगे और हमारे कुष्ठ धाम आमुखेड़ी के जो संस्था का कुष्ठ सेवा केंद्र है उसके हमारे भाई बहन माताएं यहाँ है, उनसे हमारे वर्षों का संबंध है। 1986 उस समय में कुष्ठ धाम में गया था जब वहाँ पीने का पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, सही है कि नहीं? हैं? जंगली चूहे क्या करते थे? हाथ पैर काट डालते थे, इनका मांस नोट डालते थे। अस्पताल में ठीक से इनकी व्यवस्था नहीं होती, उसके लिए खूब लड़ाई लड़ी के नहीं? लड़ाई में कौन कौन साथ था हमारे साथ? सभी सभी थे। कुष्ठ धाम के लिए जो हमने लड़ाई लड़ी उसमें क्या क्या करते थे? लौटते थे रोड के ऊपर, जो इनको पकड़ लेते तो बिल दो हमको भी ले चलो। बहुत सेवा करी इनने, पर नाम माँ मटकल के सुनाई करी हम लोगों की। तो उस समय इनके पास कोई खड़े होने को भी तैयार नहीं होता था, कुष्ठ बस्ती में कोई जाने को तैयार नहीं होता। ऐसी विषम परिस्थितियों में ऐसे बहुत सारे वहाँ पर निर्दिम चूल्हे बनाना, वहाँ की बहनों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना। सुशीला क्या करती? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, और वो मान कुंवर पुलिस विभाग में काम कर रही। बस्ती का विकास हुआ, वहाँ रोड बनी, नाली बनी, पानी की टंकी बनी, बहुत सारे हमने काम वहाँ किए और आज भी हम इन सब लोगों को उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले की। आज बहुत सारी सुविधाएं वहाँ। उस समय तो राशन के लिए भी इनको तकलीफ थी, उज्जैन जाना पड़ता था, 6-7 किलोमीटर जाना पड़ता था, लेकिन अब नहीं मिलता है, वही मिलता है। और हमारे तत्कालीन जितने भी कलेक्टर हैं उन सब ने मदद की। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ और विकास काम हो। और हमें ये बड़ा गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन के हैं। निश्चित रूप से वहाँ के लिए और भी हम ऐसी व्यवस्थाएं अच्छी हो सकती है, उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उनसे बात करेंगे। तो आज हम आप सबका सम्मान करते हैं। सब बच्चे ताली बजाओ। अरे गांधी जी।